नमस्कार मित्रों, मित्र हूँ छो पिनलगिरी गोस्वामी। आज नी वीडियो मा बात करीशु देश अने दुनिया ना सुपर फास्ट समाचार नी। सौ प्रथम बात करिए तो हिमाचल मा वरसादी आफत। हिमाचल मा अविरत वरसाद ने कारणे जनजीवन संपूर्णपणे अस्त व्यस्त बनी गयु छे। छेल्ला 36 कलाक थी अविरतपणे वरसाद ने कारणे 6 लोकोना मृत्यु थया छे, त्यारे राज्य ने अत्यार सुधी मा 323.30 करोड़ नुकसान थयु छे। वहीवटी तंत्रे 2 दिवस माटे शाळा पण बंद राखवानी सूचना आपी छे। बियास नदी मा तोफानने कारणे मंडीनुं पंचवक्र मंदिर डूबी गयु छे। तो कुल्लूना कसोल विस्तार मा भारे वरसादने कारणे आवेला पूर मा अनेक कार तणाई गई हती। अन्य महत्वना समाचारनी वात करीए तो हिमाचल प्रदेश मा 736 मार्गो पर वाहन व्यवहार बंद। भारे वरसादने कारणे हिमाचल प्रदेश मा 736 रस्ताओ अवर जवर माटे बंद करी देवामां आव्या छे। राज्य मा 13 स्थळोए भूस्खलननी घटनाओ नोंधाई छे। नेशनल हाईवे 21 बंद करी देवामां आव्यो छे। बियास नदीना वेणने कारणे मंडी अने कुल्लू नेशनल हाईवे सौथी वधु प्रभावित थया छे। 4 राष्ट्रीय धोरीमार्गो मनाली चंडीगढ़ पठाणकोट चंबा कालका पंजोर नालगढ़ स्वरघाट अने चंडीगढ़ सिमला पर प्रभावित थया छे। अन्य महत्वना समाचारनी वात करिए तो जम्मू काश्मीर अने लद्दाख में भारे वरसाद 2 सैनिको सहित 5ना मौत थया छे। सतत 3જા દિવસે જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ હતી, જેમાં 2 સૈનિકો સહિત 5 લોકોના મોત થયા છે। અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર જળાશયોના જળસ્તરમાં વધારો થવાને કારણે હવામાન વિભાગે જમ્મુ ક્ષેત્ર અને લદ્દાખના કેટલાક ભાગમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું, જ્યારે જમ્મુ ક્ષેત્રના ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને સુરક્ષિત સ્થાનો પર ખસેડવામાં આવ્યા છે। तो चालो मित्रों, फरीथी देश अने दुनियाना सुपरफास्ट समाचार लईने मळता रहीशो। त्यां सुधी अमने रजा आपशो। नमस्ते।